जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरा नाम एमडी अख्तर है, ग्राम माटी गांव जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, आप इस प्राकृतिक खेती को अपना पाए या नहीं? जी मैं अपना पाया हूँ, विगत 3 वर्षों से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट का मैं काम करता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैंने शुरुआत किया था अपने खेत के लिए, और आज के डेट में मैं इस चीज को बढ़ा करके पूरे जिले और कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तक कि नजदीकी मेरे बिहार में भी मैं सप्लाई देता हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट का, और किसानों को जा जाकर मैं ये जागरूक करता हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट डालो, जैविक खाद डालो, इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके लिए गोबर की जरूरत होती है। कितने पशुपालन है? जी मेरे पास तो पशुपालन की बात की जाए तो ज्यादा नहीं, मात्र 5-6 पशु हैं, लेकिन मैं इधर के जितने भी गौशालाएं हैं सबसे मैं गोबर इकट्ठा करता हूं, और मैं गोबर की बात करूं तो कम से कम 300 से 400 ट्रैक्टर पर 2 महीने के अंतराल में मेरे यहां गोबर आता है। जी मैं इतने गोबर का उत्पादन कर सकता हूं, मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं उससे। जी जी। तो क्या गोबर बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, गोबर बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, और इस चीज के लिए मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे सूचना मिली, और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रितेश सर, उन्होंने मुझे बताया। मैं अपने एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मैं बीएड किया हूँ, बीएड करने के बाद मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं मास्टर की नौकरी लगे, लेकिन नहीं लगा, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर मैं गया, मेरे मन में ये आया था कि मैं जैविक खेती करूंगा। सर ने मुझे बताया कि आप इस प्रकार से जैविक खेती करो, और बल्कि जैविक खेती ही नहीं, आप चाहो तो इससे पैसा भी कमा सकते हो, और मैंने उन्हीं के बताए हुए रास्ते को अपना करके आज मैं पैसा भी कमा रहा हूं और बहुत खुश हूं, और लोगों को बता रहा हूं कि आप भी जैविक खेती करें। ठीक है, मैं जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार।